हकीकत तुमको पता, सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी यही हकीकत बताते थे कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, अति दलितों को टिकट दीजिए। लेकिन यहाँ टिकट कैसे दिया जाता है? सुबह दिया जाता था चौहान को, शाम को दिया जाता था मौर्या को, और रात को दे दिया जाता बाबू साहब को। तो जब हर पल आप टिकट बदलेंगे, जीतने वाले कैंडिडेट को आप किनारे लगा देंगे, हारने वाले को थमा देंगे कि जाओ आप मैदान में, तो परिस्थिति तो ऐसी थी नहीं कि आप किसी को थमा। ओम प्रकाश राजभर जी जो परिस्थिति बता रहे थे कि इस कैंडिडेट के ऊपर अगर हम लोग फैसला करेंगे तो चुनाव जीतेंगे, लेकिन आप स्वतः नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार बने, आप तो स्वतः भारतीय जनता पार्टी को मदद करने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आदरणीय शिवपाल यादव जी बहुत सही कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो अनुभवी नेता है, इसलिए वो बेहतर बता सकते हैं। अगर उनसे और कुछ जानना चाहते हैं तो माननीय शिवपाल यादव जी बहुत बेहतर तरीके से सरकार बना करके और चला करके दिखाए हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छा अनुभव है और उन्हीं लोगों से हम लोग सीख रहे हैं। के बीच में जवानी जंग छिड़ी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जरिए पलटवार किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा है, टेंडर ना हो पाया है, ये सब राज छिपा रहे हो, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बेचैन है, सत्ता तो मिल नहीं पाई, और जब सत्ता में थे तो अति पिछड़े अति दलित याद नहीं आए, तब हिस्सेदारी और भागीदारी दे नहीं पाए। 3 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि राजभर सहित तमाम जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए, तब इनको ध्यान नहीं आया। तब उस समय फैसला आया तब यादव अहिल ग्वाल गढ़ौन अकेले आरक्षण का लाभ ज्यादा उठा रहे हैं, तब हिस्सेदारी नहीं दिए, तब मुस्कुराहट उनको समझ में नहीं आ रही थी कि इनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आज अगर सरकार अपने कार्य योजना को लेकर के काम कर रही है तो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अपनी चिंता करते तो सरकार बना लेते, इसलिए कि उनके लोग अभी राष्ट्रपति चुनाव में कहां गए वो स्वतः जान रहे हैं, इसीलिए तो मुस्कुरा रहे हैं कि आने वाले समय में हम 2024 में भी साफ हो रहे हैं, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। समझो, माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ना, वो 2024 के बाद वो ऐसा करेंगे, ये भाजपा का नाम लेंगे और अपनी राजनीति जिंदा करेंगे, इनके पास और कोई एजेंडा नहीं बचा है, ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी तमाम उपेक्षित लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है, और जैसे जैसे हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी उतना तेजी से बौखलाती हुए नजर आ रही है, और इस तरह की उलोल जुलोल बयानबाजी को करते नजर आ रहे हैं। तो मायावती ने भी आज ट्वीट के जरिए एसपी और बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा इन दोनों पार्टियों में मिली भगत है। देखिए, कोई किस पे आरोप लगा रहा है, कौन किस पे आरोप लगा रहा है, ये सपा और बसपा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और इससे माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा खत्म हो रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा धीरे धीरे किनारे हो रही है, तो ये आपस में लड़ करके समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकाल रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, महाराजा सुहेल देव राजभर, इन तमाम जितने महापुरुष वंचित शोषित पीड़ित समाज के थे, उनकी आवाज को और उनकी सोच को विचारधारा को हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और इन्हीं लोगों की जो सरकार में रहे हैं, सरकार में जिन लोगों की उपेक्षा किए हैं, जिनको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं दिए हैं, शिक्षण संस्थानों में हिस्सेदारी नहीं दिए और समाज में बेहतरी नहीं ला पाए, आज उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल हो गए, गरीब का बेटा आज भी टाट पे बैठ के स्कूल में पढ़ने के लिए परेशान है, अगर मदरसे की सर्वे हो सकते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्तर पर जितने इस विद्यालय हैं सबके सर्वे हो जाए, किस विद्यालय में बच्चे हैं, किस विद्यालय में टीचर हैं, किस विद्यालय में टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है, किस विद्यालय में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, इसकी भी सर्वे होकर के उत्तर प्रदेश में इसकी जांच हो जाए, ताकि समाज को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर लोगों को उत्तर प्रदेश में बिना पैसे में आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, ये सारी सुविधाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था दी है उसको दिलाने के लिए हम लोग पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को सुहेल दे भारतीय समाज पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी लोग जो लंबे समय तक कांग्रेस को समर्थन करते रहे, लंबे समय तक सत्ता में रहे लेकिन हिस्सेदारी जो नहीं दे पाए, उनकी कलाई खोलने के लिए और उनको समाज के बीच में बेनकाब करने के लिए जो उन्होंने किया है
उसको उजागर करने के लिए हम लोग यात्रा के माध्यम से जनता को संदेश पहुंचाएंगे। ये सपा और बसपा कांग्रेस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहन जी किसको क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जगाएंगे। जनता जिसके साथ रहेगी उसी को उत्तर प्रदेश का ताज और देश की ताज मिलेगा। योगी सरकार में यूपी निवेश को भी पहली पसंद बन गया है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 24 देशों ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए और भी निवेश आने की संभावना है, जिसके बाद 10,00,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। देखिए, वो सरकार जिस तरीके से अपने इन्वेस्टर मीट करती है और सारे निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बुलाने का प्रयास करती है, और वो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और जिस तरीके से निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच थी कि देश में छोटे छोटे प्रदेशों और कुटीर उद्योग लगाए जाए, कच्चा माल यहाँ दे, सरकार तैयार माल खरीदे, तो इससे उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिलता। नौजवान आज बेरोजगार है, ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे निपटने के लिए अगर निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। आने वाले समय में अगर नौजवानों के लिए ज्यादा संख्या में भर्तियां निकाली जाएंगी, उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर की जाएगी, जो अस्पताल जो जर्जर होते जा रहे हैं उस अस्पतालों को अगर अच्छे से निर्माण कराया जाए, जो अस्पताल बन चुके हैं उसको अगर चलाने की व्यवस्था की जाए, जो डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है, जो टीचर्स की कमी है, जितने हमारे सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए अगर उनकी भरपाई सरकार करती है, तो मुझे लगता है अगर इन्वेस्टर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बेहतर कुछ होने जा रहा है।